a true blue firefighter. ए, सुनो तुमने अपना हेलमेट क्यों नहीं पहना? जासूस बन रहे हो? पकड़ लिया। तुम एक जासूस की तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैं बस ये देख रहा था कि आप क्या कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं। वो मैं जानता हूँ, पर क्यों? मेरा सपना है कि मैं बड़ा होकर फायर फाइटर बनूं। तुम फायर फाइटर बनना चाहते हो? सच में, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे फैन हो। हाँ, शायद। ओके, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्योंकि आज के लिए मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना रहा हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? आज जहाँ आग लगने की संभावना है, वहाँ की मैं छानबीन कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो फायर फाइटर बनने के बारे में बहुत पता चलेगा। मजा आएगा सर, मैं पूरी मेहनत करूँगा। मुझे लगता है ये टूट गया होगा। लगता तो ऐसा ही है, इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। यहाँ बने सारे घर एक दूसरे से बहुत नजदीक है, अगर आग लगी तो बहुत तेजी से फैल सकती है। ओ, सर देखिए वहाँ आग। ओ, नहीं, वहाँ धुआं है। आग, आग। ये क्या, पत्ते जल रहे हैं? माफ कीजिएगा। कौन हो तुम? मैं एक फायर फाइटर हूँ और इस जगह की छानबीन कर रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पत्ते जलाना बहुत खतरनाक है। ये मेरा घर है, मैं अपने आंगन में पत्ते जलाऊँ या पेड़ लगाऊँ, तुम्हें उससे क्या? पर बात यह है कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो आग कभी भी लग सकती है। बस करो, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना। मैं अभी आग बुझा देती हूँ, ठीक है? हम जिस आंटी को मिले वो बहुत गुस्से वाली थी ना, लेकिन हम तो उनकी मदद कर रहे थे, उनकी भलाई के लिए। कोई बात नहीं, कम से कम उन्होंने आग तो बुझा दी और वादा भी किया कि अब से वहाँ पत्ते नहीं जलाएंगे, बस इतना ही काफी है। हाँ, सही कहा, लेकिन उन्होंने आपको एक छोटा सा थैंक यू भी नहीं कहा। क्या तुम इसलिए फायर फाइटर बनना चाहते हो ताकि लोग तुम्हें शुक्रिया कहे? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। हे बच्चे, क्या तुमने फायर रोबो के बारे में सुना है? क्या फायर रोबो मुसीबत की घड़ी में बिजली की तरह आते हैं और लोगों की जान बचाते हैं, और उसके बाद कोई थैंक यू कह पाए उससे पहले वो लोग गायब हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोफेसर जंग हमें वापस जल्दी लौटने के लिए कहते ना। वो इसीलिए क्योंकि फायर रोबोस थैंक यू सुनने के लिए मदद नहीं करते हैं। एक सच्चे फायर फाइटर को सिर्फ इस बात से खुशी होती है कि लोग सुरक्षित हैं। रुकिए, क्या आप फायर रोबो के फैन हैं? अरे, दूर खड़े रहिए। आप ठीक हैं? मैं हूँ मेगा सिटी का फायर फाइटर ऑस्कर ली। आप ठीक तो हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर ये लड़का मेरा असिस्टेंट है। तो बताओ मुझे, यहाँ अभी अभी हुआ क्या? तुमने फायर एक्सटिंग्विशर चलाना कहाँ से सीखा? क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, कुछ गलत तो नहीं किया, पर ऐसा लगा कि तुमने ये पहले भी किया है। क्या हुआ? बात क्या है? तुम यकीन नहीं करोगे, आग लगने ही वाली थी, लेकिन इस लड़के ने आग बुझा दी सही वक्त पर। ओहो, सच में? वाह, ये जरूर फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग करता होगा। ये तो कुछ भी नहीं था, मुझे तो बहुत कुछ सीखना है। जो भी हो, आज आपकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन हो सकता है यहाँ दोबारा आग लगे, तो सुरक्षा के लिए इस भूसे पर पानी डाल दीजिए, इसे पूरी तरह गीला करके साफ कर दीजिए। भूसे को इस तरह खुले में नहीं रखना चाहिए। ओके, हम समझ गए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए।
ओके, मैं वापस आकर इंस्पेक्शन खत्म करूंगा। तुमसे बाद में मिलता हूँ बच्चे। ठीक है, बाय सर। तुम्हें लगता है हमें इस भूसे को अभी इसी वक्त साफ करना जरूरी है? अरे बाद में कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, मुझे भूख लगी है। चलो कुछ खाते हैं। चलो चले। क्या तुम एक असिस्टेंट बने थे, वो भी फायर फाइटर के? कौन था वो फायर फाइटर? तुमने उन्हें देखा है, वो हर जगह मौजूद होते हैं जहाँ आग लगती है। ये तुम्हारी ड्राइंग वाकई बहुत रद्दी है। तुमने इंसान बनाया है या भालू? खैर ये सब छोड़ो, जरूरी बात ये है कि मैंने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी की जान बचाई। पेट भर गया, इतना खा के मजा आ गया। ये क्या हो रहा है? फायर अलर्ट, फायर अलर्ट! ये क्या हो रहा है? मेगा टाउन वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर अभी अभी आग लगी है। लेकिन मैं आज इसी साइट पर मौजूद था। मुझे लगा तुमने कहा कि तुमने आग बुझा दी है, तो ये सब कैसे हुआ? मुझे लगता है उस भूसे पर पानी नहीं डाला होगा, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। फायर रोबो, इसी वक्त वहाँ जाओ और आग बुझाओ। यस सर। उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। एक्टिवेट। फीनिक्स पावर ऑन। इकोरस पावर ऑन। प्लीज दूर खड़े रहिए। जल्दी करो, ये आग मेरे घर तक पहुंच जाएगी। कुछ करो तुम, बुझाओ इसे। वहाँ पर सिचुएशन क्या है? यहाँ भूसे में बहुत तेज आग लग चुकी है, ऐसा लग रहा है इसे बुझाने में रात हो जाएगी। कैप्टन ऑस्कर ली, वहाँ से बाहर निकलो इमीडिएटली। हम नहीं आ सकते कैप्टन, कॉर्नर में फंस चुके हैं। ये तो बड़ी मुसीबत है। Icarus, activate! Phoenix, activate! गिरने वाला है। शैडो, यही सही मौका है। ठीक है, एक्टिवेट आइसबर्ग खत्म करें। फायर रोबो, मदद कीजिए, हमारे दो फायर फाइटर अंदर फंसे हुए हैं। इसे हल्का छोड़ दो। मैंने उन्हें ढूंढ लिया। जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं अभी रास्ता बनाती हूँ, पीछे हटो। क्या ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे लगता है मेरे दोस्त को चोट लगी है। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा। मुझे जाने दो, कुछ नजर नहीं आ रहा यहाँ से। समझ गए।
शुक्र है। बस ये आखिरी था। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सच्चे फायर फाइटर को सिर्फ इसी बात से खुशी होती है कि लोग सुरक्षित हैं। क्या? एक सच्चे फायर फाइटर को सिर्फ इसी बात से खुशी होती है कि लोग सुरक्षित हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सुरक्षित रहिए। ये वो नहीं था।